बयान करो तो मसले का हल जरूर निकाल देंगे। और ये मुसीबत को बहुत छोटी होती है। मैंने किताबों में देखा दूर पढ़ो मसायल खुद ब खुद हल होंगे, कसरत से दुरूद पढ़ो मसायल खुद ब खुद हल होंगे, अल्लाह का जिक्र करो मसायल खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु फनजैनाहु मिनल हम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। इस आयत की तिलावत करो मसले हल होते चले जाएंगे। इसे जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और उन्होंने दुआ की और दुआ करने के बाद कुरान कहता है कि जैसे उसने पुकारा फस्तजबना लहु हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। अकेले है जनाबी यूसुफ, अकेले है जनाबी जनाबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट और वहां पर दुआ कर रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई नहीं है, तो बुजुर्ग बरतर है। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में से हूं। कुरान कहते फस्तजबना हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, वनजैना और हमने नजैना मिला और हमने उन्हें गम से नजात दे दी, गम से नजात दे दी। इसके मानी ये हुए कि अगर गम है तो नजात देने वाला भी है। बेशक बस अल्लाह से लो लगा लो मुसीबत के वक्त में नजात गम से मिल जाए। मैं कुछ कह भी नहीं सकता और मेरे पास बहुत अल्फाज भी नहीं। चचा के लिए, चचा हुसैन अकबर के लिए, सईद अकबर के लिए, दीगर अजीजों के लिए वो लफ्ज भी नहीं है हमारे पास जो बफ्तू को अदा कर सके। बेशक बहुत बड़ा गम है एक बाप के लिए, एक चचा के लिए, एक भाई के लिए। भाई के लिए कब बड़ा है कि भाई न रहा, बाप के लिए कब है कि बेटा न रहा, चचा के लिए कब है कि भतीजा न रहा। अभी शिया भाई ने कह थोड़ी बड़ी कयामत के लिए कहे थे आप जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लाशें पर इमाम हुसैन उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया, उम्र का साथ हमेशा के लिए छूट गया। आज मूसा तेरे वारिस का साथ छूट गया, आज मूसा तेरे वारिस का आसार टूट गया। ये गम बल्कि तमाम लोगों के लिए है, तमाम बस्ती वालों के लिए है, झोलस के लिए, नूरपुर के लिए नहीं, दूर दराज से लोग आए हैं, फूल भी कर रहे हैं, जनाजे पर भी लोग आए, और इतना बड़ा मजमा था जनाजे पर और अभी भी कोई मजमा कब रही है, लोग आए हैं। ये गम है और ये गम बांटने के लिए आए हैं आपको। चचा आप खुश नसीब है कि आपका गम बांटने वाले इतने आ गए, अगर अल्लाह ने बेकसूर हुसैन चचवार का लाशा उठाया तो आवाज दी भैया अब्बा। भाई याद आता है, हुसैन ने भी अपने भाई को पुकारा भैया।
मंजिल पर फरमाते हैं कि आप नाम पर फरमाए अब्बास, क्या फराज पर सोते हो चैन से? अब्बास, क्या फराज पर सोते हो चैन से? लाशा पिसर का उठ नहीं सकता उसे। उस्ताद कमर दलाल भी ने बैठ के हिजरत जी चाहता हूँ, वो एक जमा की लाश पर सजदा हुसैन का, वो एक जमा की लाश पर सजदा हुसैन का, फितरत भी देखती थी कलेजा हुसैन का, वो सारे लाशे किसान का गिर गए, अरे बेटा आए आए।
खुदा आपको मौला के सब्र से सब्र अता करे। और नौजवानों से कहूंगा कि कभी भी हिरासा ना होना, हालात से घबराना नहीं, मौला को सुपुर्द कर दो, अल्लाह को सुपुर्द कर दो, खुद मसले का हल खुदा निकालेगा, उससे बड़ा कोई नहीं। कुछ मरहले अगर हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा आपको मौला के सब से सब्र अता करे। तीन मरहले हैं जो इमाम पर बहुत सख्त गुजरे, तीन मरहले इंतहाई सख्त गुजरे। पहला मरहला जब जवान बेटे ने इजाजत चाही, जवान बेटे ने इजाजत चाही, बाबा मुझे बक्तल में इजाजत दे दीजिए, तो जवान बेटे ने कहा बेटा तू अब माँ से इजाजत ले ले, पालने वाली बूढ़ी से इजाजत ले ले। आए पहला मरहला कितना सख्त मरहला था, हुसैन इजाजत न दे सके, बल्कि कहा जा बूढ़ी से इजाजत ले ले, अगर कोई इजाजत दे दे तो जा बख्तन को सिधार। और जब बूढ़ी से आके कहा बूढ़ी अम्मा अब हम मक्तल जा रहे हैं, हमें इजाजत दे दीजिए, तो पुपी ने गले से लगा के कहा मेरे लाल मैं तुझे इजाजत न दूंगी, 18 साल इसीलिए पाला है। तो जवान बेटे ने से नहीं कहा कि मुझे इजाजत दे दे, मैं एक लफ्ज कहा पुपी अम्मा अगर कयामत में दादी पूछेगी शायद तुझे अकबर प्यारा था मेरा हुसैन तो शायद अब जब मुझसे निकला मेरे लाल खुदा और बिठा के कहा मेरे लाल खुदा तारीख का बयान है। अली अकबर अलैहिस्सलाम का रहबान चलने लगा, हुसैन ने जहां से रुख्सत किया था हुसैन वहां खड़े न रह सके, बल्कि पीछे पीछे चलने लगे। और तारीख ने लिखा कि जैसे जैसे अली अकबर के रहबान की रफ्तार तेज हो रही थी, हुसैन के चलने की रफ्तार भी तेज हो रही थी, और जब अकबर का रहबान दौड़ने लगा तो हुसैन पीछे दौड़ने लगे। अली अकबर के कान में आवाज पहुंची अब जो पलट के देखा बूढ़ा मां खाता हुआ आ रहा। दूसरा मरहला जब अली अकबर की आवाज आई बाबा हमारा आखिरी सलाम, बताई कहती है कि हुसैन ठोकरे खा रहे थे। और पांच तारीखों ने लिखा कि हुसैन को नजर नहीं आ रहा था, तो एक मतलब आवाज की आईना अली अकबर ये मेरे लाल कहा हो आवाज दो। दूसरा ढूंढ रहे हैं लड़के, और जवान बेटे का लाशा नजर नहीं आता, जवान बेटे का लाशा नजर नहीं आता। हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख ने लिखा है कि रहवाद सवार हुए अली अकबर की तरफ दौड़े, और अभी अकबर का लाशा चंद कदम के फासले पर था, हुसैन रहवाद से जमीन पर उतरे, और अब उतरने के बाद खुद दौड़े हुसैन, लेकिन रब कहता है हुसैन से चला गया। हुसैन अलैहिस्सलाम गिर गए, इमाम दोबारा उठे, दोबारा दौड़े, अगर न दौड़ा गया हुसैन फिर गिर गए, तीसरी मरतबा उठे, और अब जो दौड़ना चाहते न दौड़ा गया, तो तारीख कहती है कि अब ताकत ने जवाब दे दिया, तो बेकस हुसैन सोनियों के बाद अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, हे मेरे लाल बाबा गया। तीसरा मरहला तारीख ने और लिखा है, बस यही मुबल्लिस तमाम, और एक माँ
के लिए पुरुषा हो जाए। वो माँ की जिसका जवान बेटा दुनिया से चला गया उस माँ के लिए पुरुषा हो जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाश अली अकबर को उठाया, उठा के सीने से लगा के लेके चले और खेमे में आके आवाज दी, ज़ैनब अकबर आए। अकबर के लाशे को लिटा दिया गया खेमा, खेमे में अली अकबर का लाशा लिटा दिया गया। हाँ आए जनाब ज़ैनब ने फिस्सा से कहा, माँ अली अकबर की माँ लैला कहा, उनसे कहो कि अली अकबर का लाशा आ गया। लैला दूसरे खेमे में है और मुसल्ले पर बैठी हुई है, अपने लाल के लिए दुआ कर रही है। फिस्सा ने जाके कहा, बीबी उठो, अली अकबर का लाशा आया है। बस लैला अपनी जगह से उठी तो है, मगर अब तारीख कहती है कि जैसे ही लैला चलने लगी आवाज से टकरा गई। फिस्सा ने कहा, बीबी दरवाजा इधर नहीं है, तो एक बार दबा आवाज देके फिस्सा मुझे कुछ दिखाई।